जॉन वायु राम राम सत श्रीकाल सलाम वालेकुम। जॉन वायु मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। जॉन वायु जैसे ही कोई मैसेज डालते हैं पे पेंशन का हो गया या जवानों की जागरूकता के लिए, तो नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मैं सिपाही हूँ, मैं हौलदार हूँ, मैं नायक हूँ, मैं सूबेदार हूँ, मेरी पेंशन कितनी बढ़ती है। जॉन वायु आज मैं आप लोगों को आपकी पेंशन बताऊंगा कि जो 2016 से पहले सिपाही से सूबेदार मेजर आए हैं उनकी पेंशन कितनी बढ़ती है, और 2016 के बाद में जो आए हैं वो कितनी पेंशन ले रहे। और इस पेंशन बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपनी जेब को संभाल के रखें, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इतने फ्रॉड 420 बेईमान व्यक्ति आए हुए हैं कि वो आप लोगों की पेंशन को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। और आप सोचते हैं कि मेरी पेंशन तो मेरे को तो सिर्फ इतनी बन रही है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक सिपाही है तो वो सिपाही 17,130 रुपये ले रहा है, तो बोलते कि नहीं आपकी 24,000 रुपये बन रही है पेंशन, आप हमारे से संपर्क करो और 30% दो, 30,000 दो, 50,000 रुपया दो, आपका तो एरियर इतना बनता है। और वो जवान भाई उनके बहकाओं में आके उनको 50,000 रुपये दे रहे, और ये बड़े बड़े लेवल पे फ्रॉड चल रहे। जवान भाइयों मैंने बता दिया कि मेरा मकसद क्या है कि जवानों को उनकी पे पेंशन के बारे में जागरूक करना, कि कोई आके उनको बेवकूफ ना बनाए कि मेरी तो इतनी पेंशन बन रही है। और वो अगले जो यूट्यूब पे जो व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, फोन नंबर दिए जा रहे हैं कि हमारे से संपर्क करो, और वहां पर जब आप संपर्क करते हो तो वो बताते कि नहीं आपकी पेंशन तो इतनी बन रही है, आपका एरियर इतने लाख बन रहा है, आप हमारे को 30% दो। ये बहुत बड़े लेवल का खेल हो चुका है। जवान भाई मैं अपनी बात को रखूं, पहले मैं बताऊंगा कि 2016 से पहले जो पेंशनर आए हैं सिपाही से सूबेदार मेजर उनकी पेंशन कितनी बढ़ती है, फिर मैं बताऊंगा सिपाही से सूबेदार मेजर जो 2016 के बाद में आए कि उनकी पेंशन कितनी बढ़ती है, क्योंकि 2016 से पहले वालों की अलग पेंशन है, 2016 के बाद में अलग पेंशन। तो कोई आदमी ये सोचे कि यार मेरी तो, मैं तो 2016 से पहले आया था और 2016 के बाद वाले ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, वो लेंगे भाई, वो लेंगे, क्योंकि अभी कोई वन रैंक वन पेंशन रिवीजन नहीं हुई है कि आपकी एक सेम हो जाए, और इसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं जो झूठे हैं वही। जवान भाइयों 2016 से पहले एक सिपाही 15 से 17 साल का, उसकी पेंशन बनती है 17,130 रुपये, जो बेसिक पेंशन बनती है 17,130 रुपये प्लस डीए, वो आप अपने हिसाब से प्लस करते रहो। एक नायक 17 साल से लेके आप 17 साल से लेके 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल का नायक, वो ले रहा है 18,427 रुपये। एक होलदार 24 साल का 20,067 रुपये, ये वाई ग्रुप के बता रहे हूं भाई। एक नायब सूबेदार 26 साल का वाई ग्रुप 26,741 रुपये। एक सूबेदार 28 साल का वाई ग्रुप का 2016 से पहले वाला ले रहा है 31,529 रुपये। एक सूबेदार मेजर 32 साल की सर्विस वाई ग्रुप 33,526 रुपये पेंशन ले रहा है। अगर 2016 से पहले वाले हैं तो वो भाई जो मैंने बोला इस वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 2016 से पहले वाले सिपाही से लेके सूबेदार मेजर की पेंशन। इसके बाद में जो 2016 के बाद में जो पेंशन आए हैं, हम उनकी पेंशन बताते हैं। हम उठाते हैं 2018 का डाटा कि 2018 में जो पेंशन आया है सिपाही से सूबेदार मेजर उनकी पेंशन कितनी बनती है। तो भाइयों जो 2018 एवरेज और मिनिमम मैक्सिमम ईयर 2018 में अगर कोई सिपाही पेंशन आया है 15 से 17 साल के बीच में,
उसकी बढ़ती है 18,275 रुपये। होलदार नायक, नायक भाई अगर कोई 17 साल का है तो वो ले रहा है 2018 में जब वो पेंशन आया तो उसकी पेंशन बनी 19,832 रुपये। 18 साल में पेंशन आया तो 20,307 रुपये, ये उसकी पेंशन बढ़ती है एक नायक की 2018 में। आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, 50-100 का वो राउंड फिगर नहीं होता कभी भी, वो इंक्रीमेंट है सर्विस से सारी चीज़ें होती है। कहीं कोई ये सोचे कि यार मेरी तो 250 रुपये कम बन रही, मेरी 250 रुपये ज़्यादा बन रही है, इनके ऊपर नहीं है, लम सम यही बननी चाहिए। एक होलदार वाई ग्रुप का 24 साल का 2018 में जो पेंशन आया है उसकी पेंशन बनती है 21,325 रुपये। नायब सूबेदार 26 साल का वाई ग्रुप का 2018 में पेंशन आया है वो ले रहा है 24,400 रुपये। सूबेदार 28 साल का वाई ग्रुप का 2018 में पेंशन आया है तो वो ले रहा है 26,400 रुपये। सूबेदार मेजर 32 साल की सर्विस, 2018 में पेंशन आया है तो वो ले रहा है 28,100 रुपये। जवान भाइयों, नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर जो 2016 से पहले आए हैं और 2018 वाले उनसे कम ले रहे हैं पेंशन, एक चीज ये हुई। दूसरी बात भाई, ये नोशनल पे है जिससे आप लोगों को गुमराह किया जाता है, आपकी जेब को काटा जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पे काटा जा रहा है। आप पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि नोशनल पे है क्या। भाई छोटी ही मजादा, इसके गहराई में नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबा चला जाएगा। सियोन पे कमीशन में दो फार्मूले रखे गए, बिल्कुल देसी में बताऊंगा, दो फार्मूले रखे गए, एक 2.57 जवान से लेके जेसीओ साहिबान का, ऑफिसर के लिए रखा गया 2.67 से लेके 2.81। जवानों के लिए दूसरा फॉर्मूला रखा गया नोशनल पे, इसके अंदर यह कहा गया कि जिस फार्मूले से जवान को बेनिफिट हो वो दे दिया जाए इसको। तो 98% जवानों को 2.57 से फायदा हुआ तो वो दे दिया, नोशनल पे से फायदा नहीं है। नोशनल पे से सिर्फ उन्हीं जवानों को फायदा है जिनका फास्ट प्रमोशन है, कोई गेम में है, कोई 8-10 साल में होलदार मतलब जेसीओ साहिबान बन गया, 10-11 साल में सूबेदार मेजर कैप्टन बन गया, उन्हीं को ये फायदा है। जवान भाइयों, ये आप लोगों की पेंशन है। दूसरे भाई हमने ये, मैंने ये बात क्यों बताई, सिर्फ ये मेरा मकसद ये था कि आप लोग गुमराह ना हो, कि कोई आपको ये कहे कि नहीं आप एक सिपाही की 17,130 नहीं, एक जो नायक है उसकी 18,427 नहीं, एक होलदार की 20,067 नहीं, एक नायब सूबेदार की 26,741 नहीं, इनकी ज़्यादा बन रही। वो 2018 के चार्ट को ले आएंगे कि 2018 में पेंशन आए उनकी पेंशन होलदार रैंक तक ज़्यादा बनती है 500,000 रुपये। तो यहीं पर जवान गुमराह हो जाते हैं, या नोशनल पे से वो कोई हो डाटा पकड़ लेते हैं। इसके अंदर नोशनल पे, पहली बात तो जो यूट्यूब ये है मैं उनको मान ही नहीं सकता कि वो इसको समझते होंगे, वो कोई हो नोशनल पे का उठा के फिगर और उसमें 5,200 मिलिट्री सर्विस पे निकाल के और एक सिपाही की 26,000 बना देते हैं। और वहाँ पर बनाने के इस जैसे पीछे वो स्क्रीन चलती है यूट्यूबियों के पीछे, और वहाँ दिखाते हैं कि ये देखो आपकी तो इतनी पेंशन बननी चाहिए, इतना एरियर मिलना चाहिए, और जवान वहाँ पर गुमराह हो जाता है। और जिसको ज़्यादा लोभ है, जवान वही गुमराह होगा जिसको ज़्यादा, जिसने कभी ग्राउंड पे काम नहीं किया होगा, जिसने यही किए होंगे वहाँ जूते।